फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, कम मसाले में, कम टाइम में टेस्टी गोश्त। सभी को बहुत पसंद आएगा, एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाना है। गैस पे कुकर चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद ये मैंने लिए सारे खड़े मसाले को डालेंगे। मसाला थोड़ा चटकने लगे उसके बाद दो बड़े साइज़ के प्याज मैंने चॉप किया था इसको डालेंगे। गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। गोश्त को मैंने साफ धो लिया है, अब गोश्त डालेंगे। गोश्त डाल के चलाते हुए भून लेंगे। गोश्त अच्छे से भुन जाए उसके बाद डालेंगे ये मैंने लिया है हरी मिर्चा, हरी धनिया, पुदीने की चटनी दो चम्मच डाला है मैंने। उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पेस्ट डाल के भुनेंगे। अब डालेंगे इसमें पिसे मसाले, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। पिसे मसाले डाल के गोश्त को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। गोश्त को तब तक भूनेंगे जब तक गोश्त का पानी बिल्कुल सूख जाए, तेल अलग होने लगे। अब इसमें डालेंगे बहुत सारी हरी मिर्च जिससे गोश्त बिल्कुल चटपटा बने। हरी मिर्च डाल के अब चलाते हुए अच्छे से गोश्त को भून लेंगे जिससे गोश्त और मसाला अच्छे से एक साथ भुन जाए। गोश्त और मसाला अच्छे से भुन गया है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए, थोड़ा सालन रहे। अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा पानी और डालेंगे। अब कुकर की लीड लगाएंगे, 2 सीटी आने पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। गोश्त तैयार है, 2 सीटी आने पर मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया था 10 मिनट के लिए, उसके बाद खोल लिया। अच्छे से गोश्त गल गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कम टाइम में, कम मसाले में, कम तेल में टेस्टी गोश्त बना है। प्लेटिंग करेंगे, ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ती। बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है ये गोश्त मैंने। अगर आपको ये गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इस तरीके से ट्राई कीजिए, वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा।